हेलो भाई, मैं हूँ अनमनायक। सो आज हमें एलईडी अपग्रेड करने जा रहे हैं। यह है ब्लॉक पंखा 905 और 9012 सॉकेट नंबर है, मतलब एलईडी का सॉकेट नंबर होता है और HB3 भी कहता है कभी लोग। सो क्या होता है ना, पर्टिकुलरली हाई रेट के लिए 9012 ही डालना पड़ेगा, क्योंकि ना ऑलरेडी मैं दूसरा ट्राई करके देखा हूँ। सो ये बॉक्स में एक ऐसा कुछ मैनुअल आता है, एंड देन ये मैनुअल में पूरा कैसे इंस्टॉल करना, क्या करना, सब कुछ रहता है। सो प्लीज़ डू फॉलो इट। लाइक अगर थोड़ा सा गड़बड़ वगैरह ना, बीम नहीं आता है स्ट्रेट, मतलब ब्राइटनेस नहीं आता है। सर उसका बाद में ये एक थोड़ा सा लिंक आता है और दो टैग भी आता है और वारंटी कार्ड, देन आते हैं दो LEDs। और उसके पहले ये जो है ना, इसका कन्वर्शन किट भी है, मतलब ये 9012 का कन्वर्शन किट, मतलब ये जो जस्ट क्लैम्प जैसा है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा लिंक से काट के। और जो ये LEDs है ना, ऐसा ऐसा कुछ दिखता है। सो 110 वाट का है, मतलब 55 वाट, और ये RTO अप्रूव्ड भी है। मतलब क्या होता है, पिछले से हम हैलोजन जो यूज़ करता है ना, वो भी 55 वाट का ही रहता है। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा RTO साइड से, तो इसीलिए मैं 110 वाट का दे रहा हूँ। अगर ज़्यादा भी मिलता है 150 और 170 का, कोई फ़र्क नहीं, इतना नहीं पड़ता है। सिर्फ वो जो वैटेज जो दिख रहा है ना, मतलब जो लिखता है वो बॉक्स पे रहता है बस। तो ये मेरा सबसे ठीक है। LED देखो, इस ऐसा कुछ छोटा छोटा LED रहता है, मतलब टोटल 6 नंबर रहता है दोनों साइड। और ये इसका क्या अपना 9012 का, सो ये डालना पड़ता है उसको। सो इसमें डाल दिया देखो 9012 का सॉकेट, और इसमें देखो हेडलाइट में इतना आराम से बैठाना है, वो भी वो सीधा रहना है, मतलब आड़ा नहीं रहना है, वो LED सीधा रहना है। और वो वायर जो रहता है ना, एक्चुअली ऊपर रहना है, मतलब जो हम फिट करेगा ना, सो ऊपर रहेगा तो करंट से हमको स्प्रेड होगा। सो थोड़ा हम पहले आड़ा बैठा था, सो ऐसा कुछ ब्राइटनेस दिख रहा था, लो बीम और हाई बीम। तो एक्चुअली बीम इतना नैरो नहीं था, स्कैटर्ड हो रहा था, और ब्राइटनेस भी ज़्यादा बहुत कम था। रोटेस्ट भी किया, मतलब आड़ा आड़ा में भी कैसा आता है करके। सो ये है आड़ा, जो LED आड़ा डाला था उसका लो बीम, थोड़ा बारिश भी हुआ था, और ये हाई बीम। सो एग्जैक्टली हमको रोड पर नहीं आ रहा था ब्राइटनेस, सो थोड़ा ब्राइटनेस भी बहुत कम था। कैमरा में थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन जो ब्राइटनेस रियल लाइफ में था ना, वो इतना नहीं था। सो ये है ब्राइटनेस हमें सीधा डालने का, मतलब LED जो रहता है ना आड़ा से सीधा कर दिया है, मतलब जो वायर रहता है ना LED का ऊपर आता है। सो जब भी ये पूरा सा कवर हो रहा है, सो ये गलती मत ना करो, कि आपका जो भी ब्राइटनेस है अच्छे से आराम से आ जाएगा। सो कंपेयर टू हैलोजन, ये जो ब्राइटनेस है सो एडवोकेट लाइक 150 to 200% मोर कहता है, लेकिन इतना सारा नहीं आता है। मान के सोचो लाइक 30 to 40% इंक्रीज होता है। विजिबिलिटी का काफ़ी अच्छा है, लेकिन इसका रेंज ज़्यादा नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं लाइक 200 मीटर 300 मीटर से ज़्यादा नहीं आता है, आप चाहे वो लो बीम यूज़ करो या हाई बीम। और ये LED डालने के बाद लो अप, मतलब जो लेवलर बोलते हैं ना, वो सभी काम करता है। ये नज़दीक से ऐसा कुछ दिखता है, फॉगी फॉगी टाइप रहता है ना। सो ये है अंदर से, ये लो बीम और ये हाई बीम, देख रहे हो इतना ही मैक्सिमम ब्राइटनेस है। और एडजस्टमेंट कुछ नहीं आता है, यू कैन डू लाइक लेफ्ट राइट कर सकते हैं, हेडलाइट का मोमेंट जो आता है स्क्रू करके, ये फिक्स्ड रहता है, कुछ मोमेंट का नहीं है। कंपेयर टू हैलोजन बेटर है, और इसका प्राइस है अप्रॉक्स 9200 कुछ था MRP था, लेकिन हमको ऑलमोस्ट 6.5 कहता पड़ा। सो वीडियो देख लेके थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।